जेपी नड्डा जी ने जो कमेटी बनाई है भेजने के लिए वहाँ पर बरसाना के अंदर और हमारे कामा डी के अंदर, वो घटना बिल्कुल दूसरी तरह की है। वहाँ माइनिंग सब लीगल हो रही है, इलीगल नहीं है वहाँ पर। अगर जेपी नड्डा जी को ये भी फीडबैक नहीं है कि वो कोई अवैध खनन नहीं है वहाँ पर, वहाँ अवैध खनन है। 2004 से वहाँ आंदोलन चले, पहले भी सरकार आ गई थी बीजेपी की, फिर आगे हमारी, हमने 100 माइंस जो लीगल माइंस थी, वेद माइंस थी, उनको हमने शिफ्ट किया है पहाड़ी के अंदर। पहले भी सरकार चाहे हमारी थी चाहे बीजेपी, इनकी खुद ही पहाड़ी सरकार थी, शिफ्ट किया गया था। अभी भी जो 45 माइंस है वो तमाम लीगल माइंस वहाँ चल रही है, वह कोई इलीगल माइंस नहीं है। वो इलीगल माइंस का केस ही नहीं है। वो साधु संतों की मांग है कि जो ये पहाड़ जो है जहाँ माइनिंग हो रही है वो हमारा धार्मिक आस्था का पहाड़ है और उसमें परिक्रमाएं वगैरह होती है हमारी, तो आप सब माइंस यहाँ लीगल भी है तो बंद करो। लीगल को बंद करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हजारों मजदूर काम वहाँ करते हैं, उनको संदेश करना होता है, पब्लिक का इकोनॉमी निर्भर करती है वहाँ पर, थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है, संदेश करेंगे वरना वो रिवोल्ट कर देते। तो हमने बहुत तरीके से जा करके इसको आगे बढ़ाया और फिर वो आप देख रहे हो क्या घटनाएं, आत्मदाह की धमकी दी गई, फिर ऊपर चढ़ गए टावर पे, उसके बाद में समझौता हो गया, कह दिया गया भाई आपकी मान हम मान लेंगे, इस पूरे एरिया को फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद में क्या कारण था कि एक साधु महात्मा जी विजय दास जी चुपचाप गए, सुबह जाके वो किसी रूम में अंदर बाथरूम में जहाँ भी था जाके वो आत्मदाह कर लिया। ये क्या, ये भी एक राज है अपना आपके अंदर। हमने इसीलिए एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाया, एक जांच बैठाई मैंने, पता तो करें भाई कारण क्या था। जब सब कुछ हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस साधु संतों के साथ हो गई, विश्वेंद्र सिंह जी की जो हमारे टूरिज्म मंत्री वहीं के वो MLA हैं उनके साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, उसके बाद में क्या कारण था कि ये नई घटना हो गई, इसका मैं सबको बहुत दुख है। पर ये राजनीति जो कर रहे हैं इनको इतना ज्ञान नहीं है कि वो माइंस इलीगल नहीं है। अभी जो मैंने अभियान चला राजस्थान के अंदर बड़े रूप में इलीगल माइन बंद करने का, वो हमें चला नहीं था, पहले भी चलाया था हम लोगों ने। अभी क्या हुआ, एक डिप्टी SP लेवल का अधिकारी मर गया हरियाणा के अंदर एक डंपर ने उसको कुचल दिया, वो इलीगल माइनिंग को बंद करवा रहा था। उसको लेके हमें भी बहुत बड़ा फील हुआ, हमारे पड़ोस के अंदर वो एरिया है। तो हमने उसी दिन मीटिंग बुला के कहा कि ये घटना बहुत बड़ी घटना है हरियाणा के अंदर, हम भी क्यों नहीं पहले से ही, ये क्यों नौबत आया कि हमारे यहाँ कोई पुलिस वाला या कोई अधिकारी या कर्मचारी मारा जाए इस प्रकार से। बड़े रूप में मैंने अभियान शुरू किया। अब ये BJP वाले उस अभियान को जोड़ रहे हैं इस घटना से, जब इस घटना में माइंस भी लीगल माइंस है वहाँ पर। अब इनको कौन समझावे, जनता समझा देगी अब इनको। सर जिस साधु की मौत हुई है उनकी फैमिलियाँ उसके लिए कुछ सरकार के, हमने 5 लाख रुपए तो दिए, उनकी ग्रांड डॉटर है उनको हमने घोषणा कर रखी है और वो हम लोग तो उनके ध्यान रख रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं उसके लिए, हमें भी दुख है। और बिना कोई कारण के हो गए ना, कोई कारण होता समझ में आता, अब क्या डिले हो गया, इलाज बिगड़ा है, सब कुछ कर रहा है भाई। पर मेरे पास भी आए थे लोग, मैंने कहा आप निश्चिंत रहो आपकी बात मान लेंगे, मैंने खुद ने आश्वासन दिया उनको। पर 5-7 महीने इसलिए लगते हैं कि कम से कम मजदूर भी है, हजारों मजदूर काम करते हैं, उनको समझाना पड़ता है, पब्लिक को समझाना पड़ता है, टाइम लगता है। सरकार में बैठे हुए लोगों को तो इनके क्या फर्क पड़ता है, दो कमेंट कर देते हैं बैठे बैठे। तो इसके लिए कोई जांच कमेटी वगैरह कुछ कहते रहूँ मैं आपको, एक मिस्टर कुंजीलाल मीणा जो हमारा सीनियर ब्यूरोक्रेट है उसको हमने ये काम सौंपा है इंक्वायरी का, वो पूरी सभी परिस्थिति क्या बनी वो सबकी जांच करेंगे फिर रिपोर्ट देंगे वो।